जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि यह हमदिया नातिया मुशायरा है और हज़रत सैयद जलालुद्दीन तौफीक़ अलैहि रहमा की सदी तकारीब के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। हज़रत तौफीक़ एक बहुत बड़े शायर थे, न सिर्फ उर्दू बल्कि फ़ारसी भी अशार कहते थे, और जो है उनकी शायरी में मुकालमाती अंदाज बहुत ज़्यादा रहा है। फिर ये मौसीकी के भी माहिर थे और ब्रज भाषा की ज़बान में उन्होंने काफ़ी दादरा ठुमरी के संगीत के ऊपर अपनी शायरी की है। इनका काफ़ी कलाम और काफ़ी किताबें ज़ाये हो गई हैं, वरना वो भी हम इस मौके पर इशात करवाते। वैसे इनका फ़ारसी कलाम सत पारा दिल के नाम से 100 रुबाइयात का एक मजमूआ है, जो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में आप लोगों के हाथों में होगा। पहले भी छप चुका है, फिर दोबारा इसकी उर्दू तर्जुमे के साथ इशात होगी। बज़्म तौफीक़ हज़रत तौफीक़ के मशहूर और मारूफ शायर होने के वास्ते या लोगों तक उनका तारुफ होने के वास्ते काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है, लेकिन हैदराबाद दखन में कई लोग ऐसे हैं जो हज़रत तौफीक़ को नहीं जानते। ये हज़रत गालिब और मोमिन के तर्ज पर शेर कहते थे। इसके अलावा इनके मुकालमाती कलाम में हज़रत अमीर खुसरो का जो है इशारा या उनके जो कलाम के तासुरात थे वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जिस तरह अमीर खुसरो मुकालमाती कलाम में मशहूर थे, वैसे ही तौफीक़ दखन भी अपने अशार लिखे हैं। बस बाकी और तो आप लोगों को बताया गया है, इंशाल्लाह 4 तारीख को आप तमाम से मुलाकात होगी। वक्त जो है बाद इशा है 8:30 बजे। उर्दू अदब के मशहूर शायर हज़रत सैयद जलालुद्दीन तौफीक़ हैदराबादी के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बज़्म तौफीक़ का 1996 में नामजद किया गया था, इदारा क़ायम किया गया था। इसके तहत हर माह मुशायरे मुनक़िद होते हैं। हज़रत जलालुद्दीन तौफीक़ हैदराबाद को गुजरे हुए 100 साल हो रहे हैं। उनका इंतकाल 22 अगस्त 1921 को हुआ था। इस मौके पर उनकी तकारीब मुनक़िद की जा रही है। 7 साल तकारीब बज़्म तौफीक़ के ज़ेर तमाम 4 दिसंबर को तरही हमदिया मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, जो रहमतिया मेंशन में। इस मुशायरे में न सिर्फ हैदराबाद के मशहूर शोरा बल्कि चन्नपटन, बड़ौदा, गुजरात के भी शोरा हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद में एक शायर, बहुत बड़ा शायर गुजरा है, जिनको मौलाना हाली ने कहा था कि अगर मेरे उस्ताद गालिब ज़िंदा रहते तो आपके कलाम को खूब दाते दे। इसके बाद से उन्हें गालिब दक्कन का खिताब दिया गया है। गर्द एक मशहूर मारूफ शायर है। उर्दू एकेडमी तेलंगाना से गुजारिश करती की जाती है कि इस शायर के नाम पर एक अवार्ड रखा जाए, ताकि हैदराबाद के नामवर शोरा की फहरिस्त में इन्हें भी आ जाए। तौफीक़ की जानिब से 100 साल तकरीब हज़रत सैयद जलालुद्दीन तौफीक़ हैदराबादी मनाई जा रही है। 4 तारीख को दिसंबर की रहमत मेंशन खल्ला चंचलगुड़े में ये तकरीब बेहतरीन अंदाज में और एक ऐसी नौयत से जो है मनाई जा रही है, जिसमें हम तरही हमदिया मुशायरा रखा गया है। और ये तरही के हिसाब से यह फ़कीर अर्ज़ करना चाहता है कि अल्लाह तबारक ताला की इसमें किबरियाई, बुजुर्गी, बड़ाई बयान होगी। कुरान मजीद की इब्तदा भी अलहम्द से शुरू हुई है और कई जगह पर परवरदिगार आलम ने अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करने के लिए हुक्म दिया गया है। तो हमको चाहिए कि इस रूहानी महफिल में आकर इस महफिल को कामयाब बनाएं, और यह अपनी नौयत का बेहतरीन मुशायरा है 100 साल। मैं मुख्तसर अंदाज में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम जो है मिल्लत इस्लामिया को कि ये जो अपनी 100 साल तकरीब का बेहतरीन जो मुशायरा है, इसको कामयाब बनाने में जोक दर जोक जो है आगे बढ़ के हमारा साथ दें और इसको कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह तबारक ताला जो है अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाएगा।